करता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। नतीजों का मौसम चल रहा है और हम नतीजों की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक स्टॉक चुना है आपके लिए ऐसा ही जिससे अच्छे नतीजों की उम्मीद करनी चाहिए, वो है स्टरलाइट टेक। और पिछले नतीजों से लेकर के अब तक ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफी नीचे आया है, और उसके बाद अब यहाँ पर इस बार के नतीजे आने वाले हैं। 400 के करीब था पिछली बार नतीजों पे, और आज आपको ये 300 के नीचे इस समय स्टॉक मिल रहा है। इस स्टॉक पे कुछ एनालिस्ट जो इसको ट्रैक करते हैं उनके अनुमान जो हमारे पास आए हैं वो मैं आपको बताऊं, करीब 31% से कंपनी की आमदनी बढ़ने का अनुमान है और करीब 37% से मुनाफा बढ़ने का अनुमान है। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि एक जो ऑप्टिकल फाइबर की थोड़ी कैपेसिटी एडिशनल इनके पास आई है उसका इंपैक्ट भी यहां पर आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के दौरान कंपनी के प्रमोटर्स ने जो कुछ और चीजें की हैं, इनके जो प्लस शेयर थे उनको छुड़ाया है, और इस दौरान कंपनी ने अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस जो एक्सपेंशन प्लान्स अपने सामने रखे हैं उसको देखते हुए करीब 50 मिलियन फाइबर किलोमीटर का जून 2019 का टारगेट है, जो अगले 2-3 क्वार्टर तक एक अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ की आपके लिए मौका देता है। और उस लिहाज से हमने इस स्टॉक को चुना है। हमारा यहाँ पे इसके ऊपर बुलिश व्यू इसलिए है क्योंकि इस कंपनी ने लगातार काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप पिछले कई क्वार्टर्स के नतीजों पर नजर डालेंगे, बल्कि पिछले 2-3 सालों के नतीजों पर नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि वित्त वर्ष 2016 में इसका करीब 150 करोड़ का मुनाफा था, और अगर आप पिछले 4 क्वार्टर का मुनाफा जोड़कर देखिए तो वो आता है 454 करोड़ रुपए। यानी 2.5 साल के अंदर कंपनी का मुनाफा करीब 3 गुना होता हुआ नजर आया। प्रॉफिटेबिलिटी में जो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है स्टरलाइट टेक में, तो एक अच्छी तेजी देखी, तेजी शायद बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, डिजिटल इंडिया को लेकर लोग एक्साइटेड थे, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस कहीं से भी पीछे नहीं है, और कंपनी ने लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत ही शानदार अपना मुनाफा और आमदनी दोनों दिखाए हैं। अगर आप इसी तरह से रेवेन्यू पर नजर डालिए तो FY17 में कंपनी की रेवेन्यू थी 2450 करोड़ रुपए, और पिछले 4 क्वार्टर की रेवेन्यू है करीब 3650 करोड़ रुपए, यानी 1.5 गुना होते हुए। तो सिर्फ 2 साल के अंदर इसकी रेवेन्यू 1.5 गुना हो गई, सिर्फ 3 साल के अंदर कंपनी का मुनाफा 3 गुना हो चुका है, और ऐसे में ऐसी एक अच्छी कंपनी जो क्वार्टर दर क्वार्टर बाजार को एक अच्छे खुश करती है, वहां पर किसी भी कमजोरी में खरीदारी के मौके काफी शानदार नजर आते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस समय इस करेक्शन में आपको ऐसा ही एक मौका दिखाई दे रहा है। अगर आप इस कंपनी के कुछ रेशियोज पर नजर डालें जो फंडामेंटल एनालिस्ट आमतौर पर देखते हैं, तो करीब 33% का कंपनी का आरओई है और करीब 28% का आरओसी इसने पेश किया है। तो ऊपरी स्तरों से पिछले 3 महीने के अंदर करीब 25% का ये जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो मैं लगता है कि एक अच्छा मौका है, और नतीजों के पहले ही आपको यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। बाजार ने जो कुछ भी फैक्टर इन किया है शायद बहुत ज्यादा नेगेटिव्स को डिस्काउंट करने की कोशिश की, और ऐसे भी इन दिनों मिड कैप्स में जो गिरावट आई है उसका भी खामियाजा काफी हद तक कंपनी को भुगतना पड़ा है। तो ये स्टॉक इस समय इस लेवल पर हमें एंट्री के लिहाज से काफी बेहतर दिखाई देता है। किरण, इसके चार्ट्स क्या कहते हैं ये बताइए, आपको स्टरलाइट टेक कैसा लगता है इस समय? स्टरलाइट टेक फेवरेट काउंटर है, कई बार मैंने रेकमेंड किया हुआ है, और जिस तरीके से ये बेस बना रहा है करीबन 280-290 का, मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन विकल्प रहेगा एक मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से। मेरा मानना है कि अगर आप करीबन 3 महीने की अवधि देते हैं तो ये 360 से 390 के लेवल आपको दिलाता नजर आ जाना चाहिए। वाह, 360 से 390 के टारगेट आपको दिखते हैं किरण यहाँ पे, और मेरा टारगेट भी यहाँ पर करीब 380 का है, जो हमने अब तक जो एनालिस्ट के रिपोर्ट्स हैं और जो उनके प्रोजेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखकर तय किया है। प्रकाश, आपकी क्या राय है स्टॉक पे? मुझे तो लगता है कि काफी अच्छे करेक्शन के बाद एक मौका दे रहा है। नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस। अनफॉर्चुनेटली इसने अभी तक रिटर्न नहीं दिया, इसलिए लोग इससे थोड़े से स्केप्टिकली इसको देखते हैं, और एक ही चिंता जो लोगों को थी जो आपने बताया उसके हिसाब से टेंशन नहीं लेना चाहिए जिन लोगों को, कि प्रमोटर प्लेज इस पे बहुत ज्यादा था, उन्होंने दिसंबर में छुड़ा, वो छुड़वा दिया है, और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी भी वो वैसा वाला कॉन्फिडेंस आया नहीं। लेकिन अगर इसके सिर्फ फंडामेंटल्स और बिजनेस प्रोपोजिशन को देखें, अच्छा, इनका 50% बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं आज, जहाँ चाइना के साथ भी कम्पीट करते हैं। इनकी कैपेसिटीज जो फाइबर की, जो ग्लास बेस्ड फाइबर जो है वो प्री फॉर्म जिसको कहते हैं, जहाँ एक्चुअली मार्जिन इंप्रूवमेंट ज्यादा होता है, मार्जिन कमाने का वो प्री फॉर्म में रहता है, और बल्क आपका रेवेन्यू जो है वो फाइबर से आता है।
और FTTH जो रिलायंस जियो का गीगा फाइबर जो लॉन्च जो होगा जब, उसमें इनका अच्छा खासा कारोबार का वो है प्लान की विजिबिलिटी दिखेगी. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो जो इन्होंने कमिट किए हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ के टारगेट्स एनालिस्ट जो डिस्कस करके बताया है, वो सब आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेगा. सो इट्स एंड आई थिंक एट दिस वैल्यूएशन इसमें कोई आपका रिस्क नेगेटिव साइड पे कोई है नहीं, तो डेफिनेटली ये एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा ऑफर कर रहा है. तो मुझे लगता है कि इस समय रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर दिखाई देता है क्योंकि अच्छे करेक्शन के बाद आपको ये निचले स्तरों पे मिल रहा है. आप जो रिटर्न की बात कर रहे थे प्रकाश, दरअसल इसने करीबन अगस्त सितंबर मिड 2017 में तेजी दिखानी शुरू की थी और तीन गुना हुआ. उसके बाद अब करेक्ट होकर के इसने 25% के आसपास का आपको रिएक्शन दे दिया और अब कंसोलिडेशन के मूड में है. तो इस नतीजे के बाद अगर नतीजे अच्छे आते हैं जैसी उम्मीद है, जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि 30% तक 30-31% आमदनी और 35-37% तक मुनाफा बढ़ सकता है, बहुत सुपीरियर है इस कंपनी के. तो जो जो लागत लगी थी, अच्छा लोगों थोड़ा सा ये भी इशू था कि जो ट्यूटेकोरिन में इनकी ग्रुप कंपनी जो उसमें इशू हुआ तो वहां से सप्लाई कॉपर की जो रहेगी उसे, लेकिन वो एसेट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका होता नहीं है, तो वो भी एक था जिसकी वजह से थोड़ी सी बीच में एक हल्की सी गिरावट महसूस हुई. और वो जैसे प्लेज जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग का प्लेज 98% का जब था उसकी वजह से बहुत हमेशा एक वो रहता था कि क्या होगा इतना ज्यादा प्लेज किया हुआ है. बट आई थिंक एज यू सेड इट इज आउट ऑफ द वे, रिजल्ट अगर अच्छे आए तो ये आपको फिर इस भाव पर नहीं दिखेगा. तो आपके लिए शानदार मौका है, नतीजों के पहले हम ऐसे स्टॉक्स आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके